Well, hello and welcome once again to Dakshina e-learning platform, and I'm Dr. Rajiv Challan, and today we are going to discuss major test 9, okay? और इसमें आज हम लोग इसके बायोलॉजी सेक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? Let's get started. देखिए जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज सोलानम, पेटूनिया एंड धतूरा बिलोंग्स टू विच फैमिली, ठीक है? सोलानम, यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं सोलानम ट्यूबेरोसम की, यानी कि पोटैटो की, पेटूनिया और धतूरा, ये सब किसके मेंबर हैं? सोलानेसी के, ठीक है? सो फैमिली इज सोलानेसी, ग्रेट. इसमें जीनस अलग अलग है, एक सोलानम है, एक पेटूनिया है, एक धतूरा है. हाँ जी, ये सब सोलानेसी फैमिली के अंदर आएंगे. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे. नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, इसको शॉर्ट में हम लोग NBRI बोलते हैं, ठीक है? CSIR की लेवल बेटा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. हाँ जी, DST का एक विंग होता है और उसका ये इंस्टीट्यूट है NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है? सो NBRI इज इन लखनऊ, ऑप्शन 1. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, जो एक स्टेटमेंट होता है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है? देखो की क्या है, की एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हर एक कैरेक्टर के लिए, हाँ जी, हर एक कैरेक्टर के आपके क्या होंगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होंगे, क्या होंगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, और उन दोनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है? और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, नाउ इट इज अ स्टेटमेंट एंड दिस इज कॉल्ड अ लीड, सो इट हेल्प्स इन टैक्सोनॉमी, और इसीलिए हम इसको किस में रखे हैं, टैक्सोनॉमिकल एड में, ठीक है? सो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड एंड ईच पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट, याद रखेंगे ये सब कुछ. नेम वायरस गिवन बाय, देखो बेटा वायरस जो नेम है, दिस वाज गिवन बाय लुईस पाश्चर, हाँ जी, सो फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे पाश्चर, ओके? और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वायरस जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है पॉइजनस फ्लूइड, ओके, ग्रेट. 95 देखेंगे. पेप्टीन एंड सल्फेटेड पॉलीसल्फेटेड ईस्टर आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, या बोथ 1 and 2. देखिए बेटा, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल है वो बने हुए सेलुलोज एंड पेक्टोज का, ठीक है? ब्राउन एल्गी में सेलुलोज प्लस एल्जीन है, एंड रेड एल्गी में पेक्टीन एंड पॉलीसल्फेटेड ईस्टर अलोंग विथ सेलुलोज, ठीक है? तो पेक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स कहाँ है? रेड एल्गी में, याद रखेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है? ग्रीन एल्गी में क्या है? पेक्टोज. ब्राउन एल्गी में एल्जीन, और रेड एल्गी में पेक्टीन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है? तो ऑप्शन 3. 96 राइजोपस, राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड, ओके, म्यूकर एंड राइजोपस दोनों को हम क्या बोलेंगे? ब्रेड मोल्ड. एल्बुगो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, तो ये व्हाइट रस्ट फंजाई है. क्लाविसेप्स, क्लाविसेप्स पुरपुरिया, अर्गोट ऑफ राई, इट इज अर्गोट फंजाई, और इसी के फ्रूटिंग बॉडी से हमें क्या मिलता है? LSD, ठीक है? सो LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाविसेप्स पुरपुरिया, ठीक है? ग्रेट. अस्टिलागो, अस्टिलागो इज स्मट फंजाई, ओके? सो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1. 97 देखेंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है? देखो जितने भी लोअर प्लांट्स हैं, लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलिडोफाइटा, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आपका क्या है, मेन बॉडी इज हैप्लॉइड, यानी कि गैमेटोफिटिक, ओके? और वही क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट है. टेरिडोफाइटा में जब हम जाएंगे, तो इन केस ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, आपका जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है? जैसे ही हम लोग चले जाएंगे जिम्नोज एंड एनजियोज में, यानी कि फेनेरोगैम्स में, तो फेनेरोगैम्स में जितने भी आपके गैमेटोफाइट होंगे वो डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर? स्पोरोफाइट, ठीक है?
तो गैमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट इन फेनेरोगैम्स यानी कि जिम्नोज एंड एनजीओज, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 98 देखेंगे, अंडर सुटेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड फॉर्म एन एग्रीगेशन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। जी तो स्लाइम मोल्ड सारे एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़ा सा स्लाइमी मास क्रिएट कर देते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। ओके ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग्स, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, ओव्यूल किस में डेवलप होगा, सीड में। ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड आर द टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी, यस ऑल्टरनेट जब एक नोड से एक लीफ निकले, ऑपोजिट जब एक नोड से दो लीफ निकले एंड दोनों क्या हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एंड वर्ल्ड अगर एक नोड से आपका मोर देन टू लीव्स ऑरिजिनेट करे तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, बोथ स्टेम एंड लीफ मे कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल्स इन डिफरेंट प्लांट, 100% करेक्ट। ठीक है, स्टेम टेंड्रिलर हो सकता है, ठीक है, और लीफ भी टेंड्रिलर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि स्टेम जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट करता है इन केस ऑफ क्यूकर्मेट्स, ओके, और लीफ इन केस ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके फोर्थ देखेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर इसेंशियल वॉरल्स ऑफ अ फ्लावर। ओके सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है वो एसेसरी वॉरल होता है, इट इज नॉट इसेंशियल वॉरल। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ओनली इसेंशियल वॉरल्स। ठीक है, तो बाहर के जो दो वॉरल्स हैं कैलिक्स एंड कोरोला, ये एसेसरी या नॉन इसेंशियल होते हैं, और जो अंदर के दो हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये क्या होंगे, नेसेसरी या फिर इसेंशियल वॉरल ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो फोर्थ इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू वैस्कुलर टिश्यू ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम। हाँ जी, तो आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है रिगार्डिंग वैस्कुलर टिश्यू ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, कंज्वाइंट, क्लोज्ड, एक्सार्क, कोलैटरल। देखिए बेटा डाइकोट स्टेम है तो ये ओपन होगा, क्लोज्ड तो होगा नहीं। ठीक है, रेडियल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, कंज्वाइंट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कंज्वाइंट होगा, कोलैटरल होगा, ओपन होगा, और कैसा होगा, एंडार्च होगा। एंडार्च क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स द सेंटर बनता है और जो मेटाजाइलम है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी या आउटसाइड, आउटर साइड। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, एंडार्च, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 101 देखेंगे, ठीक है, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ग्रोथ ऑफ लीफ इज परफॉर्म्ड टोटली बाय प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज करेक्ट। हाँ जी, जो आपका लीफ मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, करेक्ट है ये। ट्रैकेट्स, वेसल्स, स्क्लेरेन्काइमा एंड फाइबर्स आर डेड स्ट्रक्चर, यस दिस ऑल आर स्क्लेरेन्काइमेटस, दिस ऑल आर डेड। पिथ, कॉर्टेक्स, पिथोरेस, पेरिसाइकल आर जनरली मेड ऑफ लिविंग टिश्यू, यस पिथ, कॉर्टेक्स, पिथोरेस एंड पेरिसाइकल, ये सब पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, तो ये सब क्या है, लिविंग टिश्यू है। जाइलम एंड फ्लोएम आर रेस्पेक्टिवली फूड एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए बेटा इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखेगा कि जाइलम और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो उल्टा कर दिया गया है, जाइलम में लिखा है फूड और फ्लोएम के लिख लिया है वाटर। हाँ जी, और वर्ड जुड़ा हुआ है रेस्पेक्टिवली, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता, जाइलम एंड फ्लोएम आर रेस्पेक्टिवली वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यहाँ क्या लिख दिया, फूड एंड वाटर, तो ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। 102 देखेंगे बेटा, 102 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखेंगे। जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर करेक्टली रिलेटेड टू द फैमिली विच बिलोंग्स टू मुलेठी। हाँ जी, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो हमें जानना है वो जानना है अबाउट मुलेठी। ठीक है जी, देखेंगे मुलेठी जो है ये क्या है, दिस इज द मेंबर ऑफ फैबेसी, मतलब
ये आपका पैपिलियोनियसी फैमिली या लेग्यूमिनस फैमिली से है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो फैबेसी फैमिली होता है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो अब आपको बताने हैं। डाइडेल्फस कंडीशन, यस बेटा, फैबेसी में आपको डाइडेल्फस कंडीशन होता है, ठीक है, डाइडेल्फस कंडीशन होता है। हम लोगों ने क्या देखा है, 9+1, ठीक है, ऑफ व्हाट, एंथर या स्टामेन, यही देखा है ना, डाइडेल्फस कंडीशन होगा। एपिपेटलस नहीं होता है, बाइकार्पेलरी नहीं होगा, मोनोकार्पेलरी होगा। गैमोफाइलस नहीं होगा, फाइलस कंडीशन ही आनी बनती है। मार्जिनल प्लासेंटेशन होगा, यहां पर याद रखेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, ठीक है। वैल्वेट कोरोला, नहीं बेटा यहां पे वैल्वेट नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यहां पर वेक्सिलरी एस्टिमेशन होगा, वैल्वेट नहीं होगा, यहां क्या होता है वेक्सिलरी, तो गलत है ये। जो फ्रूट होगा वो लेग्यूम या पॉड फ्रूट होगा, जो कि नॉन एडिबल होता है, लेग्यूम या पॉड फ्रूट, यस दिस इज करेक्ट। पल्विनस लीफ बेस, हाँ बेटा लीफ बेस पल्विनस होता है, यहां पर पल्विनस लीफ बेस होगा, ठीक है। पाइनेट लीव्स, यस पाइनेट लीव्स भी होंगे, पी का याद करिए, पाइनेट लीफ बेसिकली में ये फैबेसी फैमिली है, तो हम लोग बेसिकली इसको याद करेंगे। इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो आपका गार्डन भी है, पाइसम सटाइकम, ठीक है, देखिए उसमें पाइनेट लीव्स होते हैं। कोरल वाई रूट नहीं होंगे, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4 and 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि किससे रिलेटेड है, मूलिट्ठी से या फैबेसी फैमिली से, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। चलिए, सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत आ रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो तीन फैमिलीज आपको पढ़नी है, ओके, तीनों फैमिली का जो भी कैरेक्टर दिया हुआ है और जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 जो है बेटा वो एक मैच द फॉलोइंग है, तीन कॉलम्स दिए हुए हैं और आपको सबको एक साथ मैच करना है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आई वुड से द बेटर अप्रोच विल बी कि आप ऑप्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस को फॉलो करेंगे तो जल्दी बनेगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सब सारे के सारे ऑप्शंस देखे बिना आप डायरेक्टली मैच द कॉलम करने जाओगे तो ये बहुत सारा आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। पहले देखिए ए का टू पैरेलल वेनेशन एक्रोपीटल सक्सेशन में तो नहीं जाएगा, पैरेलल वेनेशन किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 मोनोकॉट के साथ, हाँ जी, यानी कि डायरेक्टली हम कहाँ आ गए, ऑप्शन नंबर 3 या 4 के में आ गए हैं, 1 और 2 आपका एलिमिनेट हो गया है। अब देखिए, सो ए होगा थर्ड के साथ और वो किसके साथ मैच करेगा, मोनोकॉट विल गो विथ लिलियसी, राइट, जो लिलियसी फैमिली होती है वो क्या होता है, मोनोकॉट। सो ए 3 and B, सो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चलेंगे, ठीक है, बाकी भी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। सेकंड देखिए, बी में लिखा है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, फोर्थ वैल्वेट एस्टिमेशन, एंड जो कैलोट्रोपिस होगा उसमें ऑपोजिट लीव्स होते हैं, कैसे होंगे, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट एंड डेक्विसेट, तो बी भी सही है। सी देखते हैं, सी में लिखा है रेसिमोज, रेसिमोज में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्रोपीटल सक्सेशन, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा, एक्रोपीटल सक्सेशन, और वहां पर क्या होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, सो सी का सेकंड एंड एस, ये भी सही है। एंड डी देखिए, फॉल्स सेप्टम आपको कहां देखने को मिलता है, मस्टर्ड में, ठीक है, इस फॉल्स सेप्टम को हम क्या बोलते हैं, रेप्लम, ठीक है, तो फॉल्स सेप्टम किसके साथ मैच होगा, मस्टर्ड के साथ, और मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करेगा, ब्रैसिकेसी, यानी कि क्यों, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है बेटा। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा टाइम लेकर के ऑप्शंस के थ्रू आप करेंगे तो ही सही रहेगा, आपका टाइम बचेगा, ऐसे बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ओके। सो 103 का ऑप्शन नंबर 4,
104 क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन माइटोसिस. ठीक है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू टू द क्रोमोसोम. बिल्कुल होता है बेटा, हाँ जी, चाहे मियोसिस हो या माइटोसिस हो, आपका जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्रोमोसोम से तो अटैच हो गई होगा, और किसके थ्रू होगा, थ्रू द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर. ठीक है, सेकंड देखेंगे, रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप. यस बेटा, टेलोफेज में ये चीज होगी. फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मियोसिस में होगा, माइटोसिस में नहीं होगा. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, इन द जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन. ठीक है, माइटोसिस में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री लगाएंगे. ऑप्शन फोर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर माइटोसिस में होगा. ठीक है, ये माइटोसिस में भी होगा और मियोसिस टू में भी होगा, क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. ठीक है, तो इसीलिए 104 का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन थ्री. 105 देखेंगे, व्हाट इज सिमिलर इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलर है, बोथ आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. यस बेटा, क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि वहां पर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है. दिस इज करेक्ट. बोथ हैव क्लोरोफिल. बेटा, क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं होता है. बोथ प्रोड्यूस ATP. यस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ATP प्रोड्यूस करते हैं. क्लोरोप्लास्ट थ्रू द जेड स्कीम और थ्रू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों में ATP का फॉर्मेशन होगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन फोर, बोथ वन एंड थ्री. ओके, 106 देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ. हाँ जी, माइक्रोट्यूब्यूल आर द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रियोल. यस बेटा, सेंट्रियोल में याद रखेंगे, सेंट्रियोल में हमने क्या देखा है, सेंट्रियोल में हमने देखा है 9+0 अरेंजमेंट. अच्छी, 9+0 अरेंजमेंट किसमें देखा है, सेंट्रियोल में, किसका, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल होगा. स्पिंडल फाइबर, हाँ बेटा, स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, एक्चुअली में स्पिंडल फाइबर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये भी होगा. सीलिया फ्लैजेला, हाँ बेटा, सीलिया हो या फ्लैजेला हो, इसमें हमने क्या देखा है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो इन तीनों में ही आपका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एज अ कंपोनेंट है, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, 107 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डू नॉट हैव सेकेंडरी वॉल. करेक्ट है बेटा, मेरिस्टेमेटिक वॉल, मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थिन प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. करेक्ट है बेटा, फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. दिस इज इनकरेक्ट, फॉस्फोलिपिड सेल वॉल का मेन कंपोनेंट नहीं होता है, किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल, तो ये इनकरेक्ट है. लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्टिव एट स्पेसिफिक एसिडिक pH. हाँ बेटा, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक pH पे एक्टिव होते हैं, एंड दैट इज क्लोज टू 5. हाँ जी, 5 and 6 के बीच में जो pH होता है, वहां पर आपके लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, इसीलिए फोर्थ भी सही है. इनकरेक्ट ऑप्शन 3 है. 108 लगाएंगे, इन इफ APC का मतलब क्या है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बिकम्स डिफेक्टिव. यानी कि APC यहां पर क्या है, डिफेक्टिव है, काम नहीं कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. हाँ बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर तो नहीं होगा, क्योंकि APC अगर काम नहीं कर रहा है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी.
रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, अगर सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो ये सेल जो है ये नेक्स्ट फेज में जाएगा ही नहीं, ये एनाफेज में ही अरेस्टेड रह जाएगा, ठीक है। तो आगे के भी जो स्टेप्स हैं वो नहीं होंगे। तो रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप टेलोफेज में होता है, नहीं होगा। डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 109 देखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉसेस। देखो बेटा, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं, यानी कि एक हाइब्रिड लेंगे और उसको रिसेसिव पैरेंट के साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, टीटी 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 एंड टीटी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ड्वार्फ, और ये क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड टॉल, यानी कि फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, दो टॉल दो ड्वार्फ, यानी कि 1:1, ओके। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट। चलिए 110 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन पेडिग्री एनालिसिस इंडिकेट नॉर्मल मेल, ठीक है, नॉर्मल मेल पूछा बेटा। देखिए मेल को हम दिखाते हैं स्क्वायर बॉक्स से और फीमेल को दिखाएंगे सर्कल से, ठीक है। सो स्क्वायर इज फॉर मेल एंड सर्कल इज फॉर फीमेल। अगर ये सॉलिड है स्क्वायर या सर्कल तो ये अफेक्टेड है, अगर ये एम्प्टी है, खाली है, कलर्ड नहीं है, तो ये क्या होंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। 111 देखेंगे, 11th question, 111 जो question है, बोल रहा है, if pink flower is crossed with white flower, ठीक है बेटा, pink flower, यानी कि इसका genotype क्या होगा, hybrid होगा, capital R small R, और इसको किसके साथ cross करना है, white flower के साथ, क्या मिलेगा आपको बेटा, दो pink flower और दो white flower, दो pink और दो white, क्या red मिलेगा, red नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रेड तब बनेगा जब आपका क्या हो, दोनों कैपिटल आर, कैपिटल आर, जो कि है नहीं, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, 0%, ओके, ग्रेट। 112 देखेंगे बेटा, 112 क्या कह रहा है, यूरिडाइलिक एसिड इज, यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है बेटा, यूरिडाइलिक एसिड का मतलब क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये इसमें नाइट्रोजिनस बेस क्या है, यूरिडीन, सॉरी यूरासिल, ठीक है। अब यूरासिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, आरएनए में, डीएनए में तो कभी नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, डीएनए में कभी नहीं मिलता। 113 देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है, तो आरएनए से, सॉरी डीएनए से आरएनए कब बनेगा, जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर टेम्पलेट क्या है, डीएनए, डीएनए क्या है, टेम्पलेट, और इसे आपको बनाना क्या है, आरएनए, तो यहां पर क्या लगेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उससे क्या बनेगा, इस डीएनए टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, आपका आरएनए बन जाएगा, ठीक है। 14 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, और यहां पर कुछ जेनेटिक कोड दिया हुआ है और आपको उसके रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड के साथ मैच करना है, ठीक है, लेट्स सी। देखिए बहुत ही कुछ आसान चीजें हैं जिनको अगर आप याद रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, जैसे यू यू यू, आपको मालूम है यू 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 किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को, ये आपका पहला कोड है, ठीक है, तो यू 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 ए के साथ हो जाएगा, एंड जी 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 किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर आपने ऑप्शन देखा है तो ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ जी, थर्ड जो है वो डी के साथ जा रहा है,
और फोर्थ ए के साथ, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, लेकिन बाकी भी हम लोग देखेंगे। सी 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 किसको कोड करेगा, प्रोलीन को, और ए ए किसको करेगा, लाइसिन को, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे यहाँ पे। 115 देखेंगे, विच बायोमोलिक्यूल रिलीज मैक्सिमम एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, कौन सा बायोमोलिक्यूल मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। तो याद रखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इन तीनों में आपने पढ़ रखा है कि प्रोटीन कितना प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट कितना करेगा, कार्बोहाइड्रेट में यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज, ठीक है, और फैट कितना करेगा। देखिए फैट विल प्रोड्यूस अराउंड 9.0 किलो कैल, ठीक है, जबकि प्रोटीन कितना करेगा, कार्बोहाइड्रेट कितना करेगा, कार्बोहाइड्रेट विल बी अराउंड 4 किलो कैल, ओके, एंड प्रोटीन कितना करता है, अराउंड 5, अजी ये डेटा दिया हुआ है कुछ, अजी क्लोज टू 5 किलो कैलोरीज ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैट या लिपिड, ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सबसे अधिक कौन प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, 116 जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है ट्रू स्टेटमेंट फॉर सेलुलोज मॉलिक्यूल। हाँ जी, सेलुलोज मॉलिक्यूल के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है, बीटा 1,6 लिंकेज एंड अनब्रांच। देखो बेटा सेलुलोज हमेशा अनब्रांच होगा, लेकिन ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अनब्रांच्ड है, और अनब्रांच है इसका मतलब इसमें क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होना चाहिए, 1,6 अगर होगा तो क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, बीटा 1,4 लिंकेज एंड अनब्रांच्ड, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे सेलुलोज के लिए। 117 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है, वैलिन नहीं है, ट्रिप्टोफैन है, टाइरोसिन भी है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे, बोथ 2 and 3, ओके, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। 118 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज इम्यूनोसप्रेसर, साइक्लोस्पोरिन ए, यस बेटा साइक्लोस्पोरिन ए को हम कैसा यूज करते हैं, एज इम्यूनोसप्रेसर, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर, स्टैटिन्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज वन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन 1 लगाएंगे। 119 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड बेवरेज इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, वाइन और बियर अनडिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है, उसमें डिस्टिलेशन हम नहीं करते हैं, जबकि विस्की जो है वो क्या है, डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है, सो डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 120 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ PS2, यानी कि P6AT की बात कर रहे हैं हम लोग, ड्यूरिंग ETS एंड क्लोरोप्लास्ट, कौन सा है, मैंगनीज, Mn, और ये किसमें हेल्प करेगा, इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है कौन सा, मैंगनीज आयन Mn, और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 3। 121 देखेंगे, फाइंड आउट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू बोरोन इन प्लांट, ठीक है, तो बोरोन बेटा पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यस, सेल डिफरेंशिएशन में, यस, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, यस, ठीक है, सेल डिवीजन, यस, एक्टिवेट्स कैटालेज, नहीं बेटा ये बोरोन का काम नहीं होता है, एक्टिवेशन ऑफ कैटालेज बोरोन का काम नहीं है, इसीलिए थर्ड इज ऑड वन आउट, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 122 देखेंगे, रेडॉक्स इक्विवेलेंट जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द TCA साइकिल इज रिसीव्ड बाय, देखो बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि TCA साइकिल, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की, और इस समय जब सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है, सक्सिनेट, तो सक्सिनेट किसने ऑक्सीडाइज करता है, फ्यूमरेट, ठीक है, और इस समय क्या होता है,
इस समय एफ ए डी प्लस से आपका क्या बनता है, एफ ए डी एच टू, ठीक है। और ये जो एफ ए डी एच टू है ये फिर ज्वाइन करेगा कहां, ETS में जाएगा, किस पे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा कॉम्प्लेक्स टू को, हाँ जी, ऑफ ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रेडॉक्स इक्विवेलेंट जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, FADH2 का, इन द TCA साइकिल इज रिसीव्ड बाय, सो FADH2 इज रिसीव्ड बाय कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ETS, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 123 देखेंगे बेटा, द एंजाइम इन्वॉल्वड इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट इज पेप्टेज, ठीक है, एंजाइम कौन सा होता है, पेप्टेज, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज बोलते हैं इसको, पेप्टेज। और ये होता कहां, ये लोकेटेड होगा इन द मेसोफिल सेल, ठीक है, कहां होगा, इन द मेसोफिल सेल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे बेटा, 124, हाउ मेनी ऑफ द प्लांट्स लिस्टेड इन द बॉक्स आर एलडीपी, एलडीपी का मतलब क्या है, लॉन्ग डे प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट इनमें कौन कौन से हैं, तो वीट, यस, बार्ली, यस, सुगर बीट, यस, ये तीनों क्या है, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। सोयाबीन इज अ शॉर्ट डे प्लांट एंड ककंबर इज अ डे न्यूट्रल प्लांट, याद रखेंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो बीट है, बार्ली है, या फिर आपका सुगर बीट है, सुगर बीट, ओके, या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कैबेज, ओके, या फिर कैरेट, ओके, और सुगर बीट हो ही चुका है, ओके, ये सब क्या होते हैं बेटा, दिस ऑल आर एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं सोयाबीन की, सोयाबीन, सुगर केन, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, ओके, एंड ककंबर, ककंबर या टोमेटो, हाँ जी, ये सब क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स, डीएनपी, ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे बेटा, एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ये सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, इसमें जो लिस्ट है उसमें से तीन प्लांट जो है वो क्या है, एलडीपी है, लॉन्ग डे प्लांट्स है। 125 देखेंगे बेटा, अ वेरी गुड क्वेश्चन, 125, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, देखिए बेटा 125 क्वेश्चन में आपको मालूम है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, साई पी प्लस साई एस, ओके, अब देखिए अगर हम लोग सेल ए की बात कर रहे हैं, ओके, तो यहां पर साई डब्ल्यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 प्लस माइनस 10, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 4। अगर हम बी सेल की बात कर रहे हैं तो साई ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 7, यानी कि अगेन माइनस 4। और सेल सी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी साई डब्ल्यू क्या होगा, देखिए 16 प्लस माइनस 20, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 4। यानी कि तीनों सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि तीनों में एक दूसरे में वाटर का फ्लो होगा लेकिन नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है, लेकिन तीनों में एक दूसरे में वाटर का फ्लो तो होगा, ए बी सी, ए से वाटर बी में भी जाएगा, बी से ए में भी जाएगा, ए से सी में भी जाएगा, सी से ए में भी जाएगा, बी सी है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सबका वाटर पोटेंशियल क्या है, सबका वाटर पोटेंशियल इज माइनस 4, माइनस 4, माइनस 4, सबका इक्वल है, इसीलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे बेटा, ठीक है,
देखिए वाटर जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, ओके, यहाँ पे सबका पोटेंशियल इक्वल है, इसीलिए वाटर एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सब में कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। अगर आप पूछोगे नेट फ्लो क्या होगा, जीरो, ठीक है। सो 126 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 126, एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पर ग्रुप को हटाना है, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट है, वो टूट रहा है, ठीक है, बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का कोई रोल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइएसेस, इस तरह के एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, लाइएसेस, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 127, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बेटा ये जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है, कॉपर, ठीक है, सो कॉपर आंसर लगाएंगे यहाँ पर। 128 देखेंगे, इन अ क्लास ऑफ एनिमल्स नॉर्मली 3-chambered हार्ट इज प्रेजेंट, नॉर्मली कितना है, 3-chambered, और 3-chambered हार्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला था, 3-chambered हार्ट आपको देखने को मिलता है एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया, ठीक है, बट सम हैव 4-chambered हार्ट, हाँ जी, लेकिन रेप्टीलिया में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली 3-chambered है, लेकिन जो क्रोकोडिलिया है, ग्रुप क्रोकोडिलिया, उसमें हार्ट कैसा है, 4-chambered, हाँ जी, 4-chambered लाइक, अब क्रोकोडिलिया का एग्जांपल कौन होता है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैबियालिस एंड केमैन, ठीक है, तो ऑप्शन 2 लगाएंगे, गैबियालिस, ठीक है, ओके, स्कोलियोडॉन जो है वो कार्टिलेजिनस फिशर, ऑस्ट्रिच ऑलरेडी 4-chambered हार्ट होगा, बर्ड है ये, एंड बूफो इज एम्फीबिया, ठीक है, 3-chambered हार्ट होगा, ऑप्शन क्या लगाएंगे, 2 गैबियालिस, गैबियालिस क्या है, गैबियालिस इज अ लॉन्ग स्नाउटेड क्रोकोडाइल विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ इंडियन रिवर्स, ठीक है, तो हमारे भारत में जो हमारी नदियाँ, जैसे कि गंगा नदी है, उसमें एक लॉन्ग पतली स्नाउट वाला क्रोकोडाइल मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैबियालिस, या इसी का कॉमन नेम है घड़ियाल, ठीक है, सो घड़ियाल या गैबियालिस इज द सेम थिंग, ओके, घड़ियाल हिंदी में बोलते हैं, गैबियालिस इज द साइंटिफिक नेम, ओके। 129 देखेंगे, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल करेक्ट है, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, नहीं बेटा कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, हार्ट इज वेंट्रल, यस, सो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। 130 देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट फॉर एबीसी, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बेटा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन प्लैटीहेलमिंथस, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री बहुत सारे एनिमल्स में है, एंड रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन सम ऑफ द पॉरीफेरा, सारे के सारे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमें पता है, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए हाइड्रा, हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री होगा, एस्कैरिस बायलेटरल सिमेट्री होगा, लेकिन ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लाज्मोडियम में नहीं होगा, प्लाज्मोडियम इज प्रोटोजोआ, तो पहला करेक्ट इनकरेक्ट है। सेकंड देखेंगे हाइड्रा, लीवर फ्लुकेंट, एस्कैरिस, अब एस्कैरिस जो है इसमें ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ लाइफ होता है, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड देखेंगे ओबेलिया, ओबेलिया इज सिलेंट्रेटा, उसमें रेडियल सिमेट्री होगा, एस्कैरिस एस्कैरिस बायलेटरल सिमेट्री होगा, एंड लीवर फ्लूक इज प्लैटीहेलमिंथस, इसमें ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, सो थर्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 131 देखेंगे फैसियोला सोज, फैसियोला यानी कि पूरा नाम क्या होगा, फैसियोला हिपैटिका, ये लीवर फ्लूक है, ओके, एंड फ्लूक्स क्या होते हैं, यूजुअली फ्लैट वर्म्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हुक्स, नहीं बेटा फैसियोला हिपैटिका में हुक नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस, प्लैटीहेलमिंथस और एस्कैरिस दोनों में ही क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, रेनेट सेल, रेनेट सेल बेटा एस्कैरिस में होगा, फैसियोला किसका मेंबर है, प्लैटीहेलमिंथस का, तो इसमें नहीं होगा, एक्टोपैरासाइट, नहीं बेटा ये क्या है, एंडोपैरासाइट है, तो
करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 132 देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, ओके सो माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन गैप जंक्शन, ठीक है बताओ, तो आंसर आएगा गैप जंक्शन। 133 देखेंगे, येलो बोन मैरो फाउंड इन, देखिए बेटा जब भी हम बोन की बात करते हैं तो बोन में दो तरह के बोन मैरो होंगे, एक होगा रेड बोन मैरो जो कि आपके कॉर्टिकल बोन में होगा या स्पॉन्जी बोन में होगा जो कि दोनों एंड्स पे होता है, ठीक है, यानी कि ईपीफाइसिस एंड मेटाफाइसिस का रीजन, ओके। लेकिन जो बीच का रीजन है सैफ, जिसको हम डायाफाइसिस बोलते हैं, उसके अंदर जो सेंट्रल कैविटी है, जो हॉलो रीजन है, उसमें क्या होगा? येल्लो बोन मैरो, ठीक है। तो येल्लो बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है? इन द सैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। अगर ऑप्शन होता डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स तो हम लगा देते डायाफाइसिस, ठीक है, डायाफाइसिस या सैफ्ट इज काइंड ऑफ सेम थिंग, तो ऑप्शन 1 लगाएंगे। एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे क्या मिलेगा? रेड बोन मैरो, ठीक है। ईपीफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन या मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन में भी क्या मिलेगा? बोन मैरो, रेड बोन मैरो, येल्लो बोन मैरो नहीं, येल्लो बोन मैरो कहाँ मिलेगा? सैफ्ट या डायाफाइसिस में। 134 देखेंगे, हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोग्लोबिन, बेटा यहाँ हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, करेक्ट नहीं है ये। सेकंड, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन वो भी नहीं होगा। कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमेटोसाइट्स, यस बेटा, हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच हैज कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स जिनमें की हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। एंड फोर्थ, प्लेटलेट एंड आरबीसी नहीं बेटा, तो ऑप्शन 3 लगाएंगे। 135 देखेंगे, हाउ मेनी एंजाइम्स गिवन बिलो आर फाउंड इन पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस में पूछ रहा है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यस बेटा होगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है किसमें? पैनक्रिएटिक जूस में। सो पैनक्रिएटिक जूस में नेमली 3 तरह के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, हाँ जी, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, तो फर्स्ट सही है। एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज जो होता है वो एक हार्मोन होता है बेटा, ये एक एंजाइम नहीं है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज जो होता है वो प्रेजेंट होगा पैनक्रियाटिक जूस में, बोथ एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियेज। माल्टेज, माल्टेज नहीं होगा, हाँ जी, माल्टेज सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट होगा। टाइलीन आपका सलेवरी जूस में प्रेजेंट होगा। पेप्सिन ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? इन दी गैस्ट्रिक जूस। अमीनोपेप्टाइडेज सक्कस एंटेरिकस में, इंटेस्टाइनल जूस में। ट्रिप्सिनोजन कहाँ होगा? पैनक्रियाटिक जूस में। सो 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। सॉरी, एंटेरोकाइनेज जो है वो बेटा वो भी एक काइनेज है, मतलब एक तरह का प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, लेकिन ये सक्कस एंटेरिकस में भी प्रेजेंट नहीं होगा, ये किसका सिक्रेशन होगा? डिओडिनल म्यूकोसा का, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज डिओडिनल म्यूकोसा प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से नहीं प्रोड्यूस होगा, इसलिए ऑप्शन 3 लगाएंगे। 136 देखेंगे, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट इन बाइल जूस, बाइल जूस में कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होगा? तो बाइल जूस में ऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे सोडियम ग्लूकोकोलेट या पोटाशियम ग्लूकोकोलेट या फिर सोडियम टॉरोकोलेट, ठीक है। सो बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, इनका कुछ एग्जांपल याद रखेंगे, सोडियम ग्लूकोकोलेट या सोडियम टॉरोकोलेट, ठीक है बेटा। सो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, Na2CO3, ये बेटा बाइल जूस में यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता है, क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, NaHCO3 होता है और वो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। सेकंड देखिए, अमोनियम फ्यूमेट भी नहीं होगा, पोटाशियम फल्बेनेट भी नहीं होगा, फल्बेट नहीं होगा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन 1 सोडियम ग्लूकोकोलेट। 137 देखेंगे, आपको दो कॉलम्स मैच करने हैं। एस्थमा, एस्थमा में वीजिंग साउंड आती है, NCERT का लाइन है बेटा, तो एस्थमा को बी के साथ आप मैच करेंगे। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है मेनली, तो ए के साथ मैच करेंगे। एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में फाइब्रोसिस होता है, लंग फाइब्रोसिस, तो ऑप्शन सी लगाएंगे।
ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, बी ए सी ऑप्शन वन लगाएंगे। 139 देखेंगे, 139 देखिए, विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेफ्रिक फिल्ट्रेट बट एब्सेंट इन यूरिन। तो दो कंडीशन है बेटा यहाँ पे, एक कि यूरिन में एब्सेंट होना चाहिए लेकिन फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज फिल्ट्रेट में तो प्रेजेंट होता है लेकिन सारा का सारा ग्लूकोज पीसीटी से क्या होगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, सो यूरिन में प्रेजेंट नहीं होगा। फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है लेकिन यूरिन में एब्सेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज योर करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, यूरिया, यूरिया बेटा फिल्ट्रेट में भी होगा और यूरिन में भी होगा। NaCl फिल्ट्रेट में भी होगा और यूरिन में भी होगा। प्रोटीन, प्रोटीन बेटा दोनों में से कहीं नहीं होगा, ना ही ये फिल्ट्रेट में होगा ना ही ये यूरिन में होगा, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन वन। 140 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड बाय स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑयल ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में यूरिया का प्रोडक्शन, यूरिया सिक्रीशन होगा, अमाइनो एसिड होगा, ग्लूकोज सम अमाउंट में होगा, वाटर, सर्टेन आयंस, हाँ जी अमोनिया, ये सब होगा। स्टेरॉल्स नहीं होगा, स्टेरॉल्स बेटा स्वेट ग्लैंड सिक्रीट नहीं करते, कौन करता है, सीबम। ऑयल ग्लैंड में आपको मिलेगा, ऑयल ग्लैंड के सिक्रीशन में आपको स्टेरॉल्स मिल सकता है, स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन में नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन फोर लगाएंगे। 141 देखेंगे, अगेन यहाँ पर आपको करेक्ट मैच, सॉरी इनकरेक्ट मैच बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखो आरबीसी 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब करेक्ट है, न्यूट्रोफिल्स 20-25% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट काउंट, नहीं बेटा 60-65% होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है, 20-25% तो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर टू लगाएंगे। थर्ड देखिए, प्लेटलेट 1.5-3.5 लाख पर एमएम क्यूब सही है। फोर्थ देखेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 6,000-8,000 पर एमएम क्यूब, एक मिनट हाँ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज करेक्ट, ओके, सो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर टू लगाएंगे इसमें। 142 देखेंगे, इफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज एक्स, ठीक है बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल रहा है कि एक्स है, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ईडीवी की वैल्यू है एक्स, ठीक है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एसपी की वैल्यू है वाई, और बोल रहा है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ईएसवी की वैल्यू है जेड, तो पूछ रहा है कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, हाँ जी इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए बेटा याद रखेंगे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि जिसमें कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेंट्रिकल या मैक्सिमम ब्लड फिल्ड इन द वेंट्रिकल, मैक्सिमम ब्लड है ये। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर बीट, ठीक है, या पर सिस्टोल, ओके। ईएसवी क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेफ्ट After systole in the ventricle, और यहां पे हम लोग यूजुअली बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की, ठीक है। तो देखो इतना टोटल ब्लड आया उसमें से कुछ ब्लड पंप हो गया और बाकी इतना बच गया है, ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन निकालते हैं बेटा एसवी अपॉन ईडीवी, SV upon EDV, यानी कि क्या हो गया Y upon X, ठीक है, तो ऑप्शन वन लगाएंगे Y upon X, बात समझ पा रही है। और यहाँ पे और भी कुछ हम लोग बात करते चलेंगे, EDV नॉर्मली कितना होता है 120 ml, SV कितना होता है
70 ml. तो ESB कितना हो गया? अराउंड 50 ml. तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया? 70/120 कितना आएगा? अराउंड 60%. ठीक है, तो नॉर्मली जो ह्यूमन हार्ट होता है इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? 60%. ठीक है, याद रखेंगे. चलिए 143 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 143. क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, एक्सियल स्केलेटन रिब्स एंड स्टर्नम सही है, फ्लैट बोन्स रिब्स एंड स्टर्नम ये भी सही है, पेक्टोरल गर्डल स्कैपुला एंड एसिटाबुलम. नहीं बेटा, पेक्टोरल गर्डल किसका बना हुआ है? देखिए पेक्टोरल गर्डल जो बनता है वो बनेगा आपका क्लाविकल एंड स्कैपुला. ठीक है, किसका बनेगा? क्लाविकल एंड स्कैपुला का, ना कि आपका क्लाविक स्कैपुला एंड एसिटाबुलम. एसिटाबुलम इज पार्ट ऑफ योर पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो ये आपका क्या है? इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3. फोर्थ देखेंगे, पेल्विक गर्डल इलियम एंड प्यूबिस. यस बेटा, इलियम एसटीएम एंड प्यूबिस होता है, यहां पर इलियम प्यूबिस दिया, दोनों के सही है. सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे. ओके 144 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल. ठीक है बेटा, तो पहले आपको लार्ज रखना है और बाद में स्मॉल रखना है. जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर वो आपके मसल्स के अरेंजमेंट को दिया हुआ है. तो सबसे बड़ा क्या होगा? मसल. मसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मसल फाइबर्स, जिनको हम फैसिकुला बोलते हैं, और सॉरी फैसिकल्स होते हैं. फैसिकल्स के अंदर क्या होंगे? मसल फाइबर्स. मसल फाइबर के अंदर क्या होंगे? मायोफाइब्रिल्स. और मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होंगे? सार्कोमियर्स. और हर एक सार्कोमियर के अंदर क्या होगा? एक्टिन एंड मायोसिन, यानी कि थिन एंड थिक फिलामेंट. तो फिलामेंट्स. सो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे. ठीक है बेटा, याद कीजिएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये. एक मसल. मसल किसका बना होता है? इज अ बंडल ऑफ अ लॉट ऑफ मसल बंडल्स, जिसको हम फैसिकल बोलते हैं. ठीक है, एक मसल जो है वो बहुत सारे फैसिकल्स का बना होगा. हर एक फैसिकल जो है इज अ कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स. और हर एक मसल फाइबर किसका कलेक्शन है? मायोफाइब्रिल्स का. जो मायोफाइब्रिल्स होंगे वो अरेंज होंगे इन स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर. और हर एक सार्कोमियर में क्या होंगे? देयर विल बी एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, यानी कि मायोफिलामेंट्स, यानी कि सॉरी या फिलामेंट्स, थिन एंड थिक फिलामेंट. ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे. 145 देखेंगे बेटा. रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट. ये किसका काम है बेटा? दिस इज द वर्क ऑफ मिड ब्रेन. द फंक्शन इज एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन. ठीक है, अब ऑप्शन देखिए. स्ट्रक्चर विच इज द मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. नहीं बेटा, सेंसरी का तो है, मोटर का ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं होता है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. द लार्जेस्ट कमिसर ऑफ द ब्रेन. नहीं बेटा, लार्जेस्ट कमिसर इज कॉर्पस कैलोजन. और ये क्वेश्चन बात किसकी कर रहा है? मिड ब्रेन की. ठीक है, थर्ड देखिए. द स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन. हाँ बेटा, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में क्या है? मिड ब्रेन. और उसी की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सो मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. और इसका काम क्या है? इट रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे. 146 देखेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी. ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कितने सही हैं. मेडुला ऑब्लोंगाटा कम्स आउट फ्रॉम फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड कंटिन्यूज इन सेंट्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड देखिए, अ टोटल ऑफ 31 स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस. यस, ये भी सही है. स्यूडो
Bipolar neuron are part of dorsal root of spinal cord till phylum. नहीं बेटा, ये pseudo bipolar नहीं, pseudo unipolar neurons होते हैं, ठीक है? So ये incorrect है. D देखेंगे. All the three meninges, dura mater, arachnoid and pia mater are present in the entire length of spinal cord. Yes, this is also correct. So A, B and D correct है. सिर्फ C जो statement है वो क्या है? Incorrect है. Option 1 लगाएंगे. 147 देखेंगे बेटा. Which one of the following is not an effect of parasympathetic neural system? ठीक है, stimulate peristalsis and elementary canal. Yes बेटा, देखो जो parasympathetic nervous system होता है वो sympathetic के antagonistic काम करता है, उल्टा काम करता है. ठीक है, sympathetic ने क्या किया था? Peristalsis को रोक दिया था, तो parasympathetic क्या करेगा? Stimulate करेगा. सही है. Relaxes the muscle of urinary bladder. नहीं बेटा, ये जो function है ये sympathetic का है. Parasympathetic क्या करेगा? Contract करवाएगा. ठीक है, तो ये incorrect है. Relaxes anal sphincter. Yes बेटा, जो आपका parasympathetic nervous system होता है ये anal sphincter को relax करता है. Sympathetic क्या करता है? Contract करता है. Erection of penis in males. Yes बेटा, parasympathetic leads to erection of penis in male and delays ejaculation. जबकि sympathetic क्या करेगा? Erection को inhibit करेगा और ejaculation को promote करेगा. ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारा functions of sympathetic and parasympathetic nervous system. ठीक है, 147 का correct answer क्या लगाएंगे? Option number 2. 148 देखेंगे. Parkinson, Alzheimer, depression and Huntington's chorea. देखो बेटा, तो पार्किंसंस जो है उसको हम मैच करेंगे किसके साथ? पार्किंसंस जो डिजीज होता है बेटा, ये मोस्टली एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है जिसमें कि जो मोटर फंक्शन होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेमर्स इन हैंड वगैरह आता है. पहले वॉलेंट्री, बाद में इनवॉलेंट्री होगा. ठीक है, तो पार्किंसंस डिजीज होता है मेनली बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ डोपामाइन. ठीक है, तो डोपामाइन के साथ इसको हम मैच करेंगे, पार्किंसंस डिजीज. ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज. अल्जाइमर्स डिजीज में मेनली बेटा ये एक ऐसा डिजीज है जो कि अगेन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, और इसमें मेन प्रॉब्लम इज डिमेंशिया. ठीक है, डिमेंशिया इज द मेन सिम्टम हियर, और यहाँ पर ये मेनली होता है बिकॉज ऑफ अ मिसफोल्डेड प्रोटीन जिसको हम लोग अमीलॉइड फाइबर्स बोलते हैं. ग्रेट, और इसको अगर हमें मैच करना होगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एसिटाइल कोलीन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलीन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपोसिक्रेशन होती है. तो अल्जाइमर को किसके साथ करेंगे? एसिटाइल कोलीन, ऑप्शन 3 के साथ. डिप्रेशन. डिप्रेशन बेटा तभी होगा जब आपका नॉरएड्रेनालिन की कमी हो जाए. ठीक है, सो दैट इज नॉरएड्रेनालिन. और हंटिंगटन्स कोरिया बेटा एक डिजीज है जिसमें कि डांसिंग मूवमेंट होता है. ठीक है, और हंटिंगटन्स कोरिया जो है वो होता है बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड. ठीक है, हंटिंगटन्स कोरिया में अगेन वी डू नॉट हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन आवर लिंब मसल्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे. 149 देखेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ACTH reaches anterior pituitary via portal circulation. नहीं बेटा, ACTH is secreted by anterior pituitary. तो portal circulation से ये नहीं आता है. हाँ जी, ये आपका incorrect statement है. Somatostatin is released by hypothalamus. और हाइपोथैलेमस से ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में. और जब पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? जीएच ग्रोथ हार्मोन एंड टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों को क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा, उनको इनहिबिट करेगा. ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन जो है वो सिक्रीशन कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस में. ठीक है, देखेंगे यहाँ पर. हाइपोथैलेमस सिक्रीशन किसका करेगा? आपका सोमैटोस्टैटिन का. और सोमैटोस्टैटिन
फिर रीचेस एंटीरियर पिट्यूटरी, कहाँ पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और वहां पहुंचने के बाद ये क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, किसके लिए? ये नेगेटिव करेगा फॉर जीएच एंड नेगेटिव फीडबैक देगा फॉर टीएसएच, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है? ग्रेट, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। सी देखिए, एडीएच एंड मेलाटोनिन रीचेस पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया एक्सॉन एडीएच, तो हाँ, लेकिन मेलाटोनिन जो है वो पीनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है, वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा एक्सॉन के थ्रू, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं आता, तो सी गलत है। डी देखिए, जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रीचेस एंटीरियर पीनियल, नहीं बेटा ये कहां का होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, पीनियल में नहीं, थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, तो ये भी गलत हो गया। कितने सही है? ओनली वन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 150 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑड विद रेस्पेक्ट टू प्लॉइडी लेवल, ठीक है, प्लॉइडी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम प्लॉइडी प्लॉइडी की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पोलन मदर सेल डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड, एग सेल हैप्लॉइड, तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब क्या है? हैप्लॉइड, इसलिए ऑप्शन वन लगाएंगे। 151, हाउ मेनी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियाई आर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा है अभी तक? हम लोगों ने यही देखा है ना, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें हैं, एक है सिंगामी और दूसरा क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सिंगामी में क्या हो रहा है? एक्सेल जो कि हैप्लॉइड है, और क्या होगा फर्स्ट मेल गैमेट, वो भी क्या है? हैप्लॉइड, ठीक है, तो दो हैप्लॉइड सेल हो गए यहां पर। और ट्रिपल फ्यूजन में हमने क्या देखा? ट्रिपल फ्यूजन में होगा एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कैसा होगा 2n, और एक क्या होगा सेकेंड मेल गैमेट जो कैसा होगा हैप्लॉइड, ठीक है, तो 1, 2 and 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, दे पार्टिसिपेट इन व्हाट? डबल फर्टिलाइजेशन, तो 3 हैप्लॉइड एंड 1 डिप्लॉइड लगाएंगे आंसर, 3 हैप्लॉइड एंड 1 डिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर 2। 152 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 152, सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, एन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब जिसमें फ्री एंडोस्पर्म नहीं है, बेटा कभी नहीं ये नहीं समझेंगे कि एंडोस्पर्म नहीं है, फ्री एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है, तो फ्री एंडोस्पर्म किस में नहीं है? वीट में होगा, मेज में होगा, कैस्टर में भी ऑयली एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, पी प्लांट में एंडोस्पर्म फ्री नहीं है, सारा का सारा किसमें एब्जॉर्ब हो गया है? कॉटिलेडन में, इसीलिए ऑप्शन 3 लगाएंगे। 153 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम दैट मेंस्ट्रुएशन बिगिनिंग, तो जब मेंस्ट्रुएशन का बिगिनिंग हो रहा होता है उस समय कौन सा इवेंट हो रहा होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द ओवेरियन हार्मोन आर इन द राइज, नहीं बेटा जिस समय मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो रहा है उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है, ये राइज पे नहीं होता। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, हाँ बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे आता है, एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन बिगिनिंग में कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है? डीजेनरेट हो रहा है,
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओव्यूलेशन अकरिंग नहीं बेटा, ये तो 14th डे पे होता है, एंड द लेवल ऑफ FSH एंड LH आर स्पाइकिंग, नहीं बेटा ये LH एंड FSH सर्ज भी कब होगा, ओव्यूलेशन के टाइम पे 14th डे पे, ठीक है, सो 4th भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड बाय, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता बेटा, अगर आपका यूट्रस को छोड़कर के फैलोपियन ट्यूब में या कहीं और आपका इम्प्लांटेशन हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ जी यूजुअली कहा हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कौन करता है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद भी अभी जोना पेलुसिडा है, ठीक है, तो ये जो जोना पेलुसिडा है ये आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकेगा, मतलब कहीं और इम्प्लांटेशन को रोकेगा, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, आकर के यूट्रस में, उसमें भी कहाँ, इन द फंडिक रीजन ऑफ द यूट्रस प्राइमरली, ठीक है, तो आंसर 2 लगाएंगे जोना पेलुसिडा। 155 देखेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, मोनोजाइगोटिक ट्विन किससे बनेंगे, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वन जाइगोट, तो एक ही जाइगोट बनना है, यानी कि वन स्पर्म एंड वन ओवम, मोनोजाइगोटिक है, नाम याद रखें, मोनो मतलब वन, जाइगोट एक ही जाइगोट से दोनों ट्विंस बनेंगे, और एक जाइगोट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, वन स्पर्म एंड वन ओवम एंड वन फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। डाइजाइगोटिक में दो ओवा, दो स्पर्म और दो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मोनोजाइगोटिक में वन, ऑप्शन 1 लगाएंगे। 156, आउट ऑफ द फॉलोइंग fossils of which man was recovered from Java in 1891, Java एक कंट्री है बेटा, ठीक है, African country है, और Java से हमने जो fossil recover किया था उसको हमने नाम दिया Java man, ठीक है, और ये fossil किसका था, Homo erectus का, ठीक है, option 1 लगाएंगे, sorry option number 2, Homo erectus। 157 देखेंगे, out of the following which is example of homologous structure, eyes of insect and man, eyes of insect and man are not homologous, they are analogous, wings of pigeon and butterfly analogous, thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita homologous, hand of man and flipper of whale homologous, तो third and fourth homologous है, बाकी first and second है analogous, option number 4 लगाएंगे। 158, which statement is incorrect about Darwin's finches, ठीक है, तो डार्विन के जो फिंचेस थे उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है, दे वर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग फिंच, करेक्ट है बेटा, हाँ जी, तो मेन लैंड से कुछ सीड ईटिंग फिंच गए थे गैलापागोस पे, दे एक्ट एज फाउंडर, फाउंडर इफेक्ट हुआ, और जो डार्विनियन फिंचेस है उनका वहां पे अडेप्टिव रेडिएशन हो गया, they evolved on Galapagos Island, correct है, they are good example of adaptive radiation, correct है, these all finches were seed eating, नहीं बेटा, Galapagos पे जितने भी finches हैं उनकी seed eating habit जो है वो अलग अलग है, कुछ insectivorous है, कुछ seed eating है, कुछ fruit eating है, ठीक है, so सारे के सारे seed eating नहीं है, option 4 is incorrect। चलिए 159 देखेंगे, which of the following vector can maintain the largest fragment of foreign DNA, जी, तो हम लोग इंसर्ट साइज की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे कम इंसर्ट साइज होता है प्लाज्मिड का, कितना होता है 500 टू 8000 बेस पेयर्स, यानी कि 0.5 टू 8 केबी, ठीक है, कॉस्मिड्स का उससे अधिक होता है 30 टू 45 किलो बेस पेयर्स, पीबीआर 322 भी प्लाज्मिड है, तो इसका भी रेंज कितना है, इट इज क्लोज टू अराउंड 5000 बेस पेयर्स, यानी कि 5 केबी, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो इंसर्ट कैरी करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज अराउंड 1000 से 2500 किलो बेस पेयर, ठीक है, और ये सबसे अधिक है, ठीक है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम होता है दैट कैन मेंटेन लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, तो YAC रेंज है, BAC का होता है मोर देन 300 किलो बेस पेयर, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्मिड की, तो कॉस्मिड है
30 to 45 किलो बेस पेयर। और हम बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड इज अराउंड 0.5 से 8 किलो बेस पेयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप पेंसिल क्या लगाएंगे, फर्स्ट YAC। चलिए 160 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 160। What does second and third letter in nomenclature of restriction enzyme represent? ठीक है, देखिए restriction enzyme की जो हम naming करते हैं, okay? देखिए एक restriction enzyme है, for example ले रहा हूँ, like EcoR1, ठीक है? EcoR1, अब देखो E जो है, ये क्या है? Genus के लिए है, Escherichia, CO is for species, R is for strain, और जो वन है ये इसका नंबर है, हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, हाँ जी, ओके। तो आप देखिए इसमें जो सेकंड और थर्ड लेटर है वो किसके लिए है, स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन वन, ओके। 161 देखेंगे, 161, which of the following is used as a cloning vector? ठीक है, bacterium, bacterium तो खुद से एक organism है, plasmid, yes बेटा, plasmid is a self-replicating DNA जिसको हम cloning vector की तरह use करते हैं, yeast पूरा का पूरा एक organism है, ठीक है, हम लोग उसको cloning vector की तरह use नहीं करते, ठीक है, so option number 2 लगाएंगे, plasmid। 162 देखेंगे, which of the following is obtained by using processed mRNA molecule as a template? ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक mRNA है, processed mRNA, ठीक है, mRNA है, final, without exon, ये क्या है, processed है, यानी कि without introns है, not exons, गलती से बोल गया हूँ मैं, अजी without introns है, ठीक है, इट इज अ मैच्योर्ड mRNA, अगर इसको आप एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक एंजाइम लगाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या होता है, एक तरह का आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। और ये क्या करेगा, ये जो आपका mRNA है इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसके ऊपर किसका सिंथेसिस कर देगा, डीएनए का, क्या बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डीएनए, तो ये क्या हो गया, डीएनए, ठीक है। और ये जो डीएनए बना है बेटा, ये कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, इसी को हम बोलेंगे cDNA, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ओके। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। 163 देखेंगे, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रीडेटर्स, ठीक है, प्रीडेटर कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर प्रीडेटर नहीं रहेंगे तो प्रे का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट, ठीक है। चलिए, तो प्रीडेटर्स कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, करेक्ट है, ओके। इफ अ प्रीडेटर इज नॉट इफिशियंट द प्रे पॉपुलेशन विल बिकम एक्सटिंक्ट, ओके। तो इफ अ प्रीडेटर इज नॉट इफिशियंट तो उससे प्रे पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। अगर प्रीडेटर प्रूडेंट है, इफिशियंट है, हाँ जी, तो प्रे पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट, टाइगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर, यस दैट इज करेक्ट, तो नॉट ट्रू क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ओके।
164 देखेंगे। After exponential increase, population becomes stagnant. The growth curve is देखिए बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि after exponential increase, the growth becomes stagnant. यानी कि ये कैसा कर्व है? S shape या sigmoid curve है, ठीक है? So answer क्या लगाएंगे? Option 4, both 2 and 3, ये J shape curve नहीं है। अगर J shape होता तो ये आपका stagnant नहीं होता, हमेशा increase करता रहता। एक्सपोनेंशियल, ठीक है? तो आफ्टर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज द पॉपुलेशन बिकम्स स्टैग्नेंट। ये किसका कैरेक्टर है? एस शेप या सिग्मोइड कर्व का। 165 देखेंगे। व्हिच इज नॉट करेक्ट अप्रोच टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। बिल्कुल, अगर फॉसिल फ्यूल हम कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ये सही अप्रोच है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन करेक्ट अप्रोच है। कटिंग ट्रीज एंड इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये तो इनकरेक्ट है ना, इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, ठीक है? सो ऑप्शन 3 लगाएंगे। 166 देखिए। रिकॉग्नाइजिंग द डेलेटेरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज डैश वाज साइंड, नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987, जो इफेक्टिव कब से हुआ? 1989 से, टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मेनली कौन से? सीएफसी, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है बेटा? तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 याद रखना है आपको। 167 देखिए, क्वेश्चन नंबर 167 देखो यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन डोमेस्टिक सीवेज सैंड सिल्ट एंड क्ले आर इंक्लूडेड इन सस्पेंडेड सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। इन डोमेस्टिक सीवेज न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रेट फॉस्फेट अमोनिया सोडियम कैल्शियम आर इंक्लूडेड इन कोलोइडल मटेरियल, नहीं बेटा, इट इज इंक्लूडेड इन देयर आर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इन डिसॉल्वड मटेरियल, ठीक है? ये डिसॉल्वड मटेरियल होंगे, कोलोइडल मटेरियल नहीं होंगे। थर्ड देखेंगे, इन डोमेस्टिक सीवेज फीकल मैटर बैक्टीरिया क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स आर इंक्लूडेड इन डिसॉल्वड मटेरियल, नहीं बेटा, दीज आर इंक्लूडेड इन कोलोइडल। तो कोलोइडल को डिसॉल्व में और डिसॉल्व को कोलोइडल में लिख दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्या लगाएंगे? ऑप्शन 1। 168 देखेंगे। व्हिच वन हैज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाएंगे? कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर क्या बनाएगा? इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम्स मिलकर बायोम। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 169 देखेंगे। Question number 169. Desert lizard lacks physiological ability that mammals have to deal with the high temperatures of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. Option 2 लगाएंगे आप। देखो बेटा, जो desert lizard होती है उसमें ऐसा कोई physiological mechanism नहीं होता है heat homeostasis करने के लिए, ठीक है? तो डेजर्ट लिजर्ड फिर भी अपना हीट होमियोस्टेसिस करती है, कैसे? वो शो करती है बिहेवियरल एडेप्टेशन। वो क्या करेगी? जैसे ही बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा, से विल गो इन द सन, सन बास्क करेगी, सन रेज बढ़ेंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर एक क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, अनकंफर्टेबल होने लगेगा, वापस वो दौड़ के कहीं चली जाएगी शेड में, तो फिर से क्या होगा? ठंडा होने लगेगा। जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम होने लगा, फिर से सन बास्किंग, फिर वापस सेड। तो ये सन सेड में दौड़ते रहती है और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ये जो मेंटेनेंस है ये कैसा है? बिहेवियरल है, इसमें कोई भी आपका फिजियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? तो याद रखेंगे ऑप्शन 2, डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल हमेशा याद रखेंगे। 170 देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल नहीं होगा, ये कैसा होगा? गैसियस, इनकरेक्ट है। पाइनियर स्पीसीज लाइकन, करेक्ट है। सेकेंडरी सक्सेशन बर्नड फॉरेस्ट पे होगा, करेक्ट है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी अपराइट नहीं होगा, इनवर्टेड होगा, तो ये भी गलत है। बी एंड सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 171 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। Decomposition rate is slower if detritus is rich in nitrogen and water soluble compounds like sugar. नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो decomposition का rate slower नहीं होगा, क्या होगा?
faster होगा. तो ये incorrect statement है. Rate of decomposition is quicker if detritus is rich in lignin and chitin. नहीं बेटा, slower होगा. ठीक है, क्योंकि ये जल्दी degrade नहीं होंगे, इनका catabolism नहीं होता है, ये humus में convert होंगे. ठीक है, तो slower होगा. Option B भी क्या है, incorrect है. Warm and moist environment inhibit decomposition. नहीं बेटा, inhibit नहीं, supports, accelerate decomposition. तो ये भी incorrect है. Fourth देखिएगा, anaerobiasis inhibit decomposition. Anaerobiasis का मतलब क्या है, ऐसे condition जहाँ पे anaerobic respiration हो, aerobic respiration ना हो. तो अगर anaerobic respiration हो रहा है तो वहाँ पे rate of decomposition क्या हो जाएगा, slow, inhibit करेगा. ये सही है. So A, B, C incorrect है और D correct statement है. Option number 3 लगाएंगे. 172. Primary productivity of plants in an ecosystem depends on. Primary productivity of plants in an ecosystem किस पे depend करेगा? Number 1 देखिए, variety of environmental factors and availability of nutrients. Yes, करेगा. The plant species inhabit a particular area. Yes, क्योंकि अलग अलग प्लांट वैरायटीज की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी. जैसे C3, C4, CAM, सबकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी. ओके, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. यस, इस पे भी डिपेंड करेगा. तो ए बी सी तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ऑप्शन 4 लगाएंगे. 173 देखेंगे. अच्छा, ये मैच द कॉलम है अगेन. हॉट स्पॉट्स कितने हैं, 3. इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं, 3. ओके, नेशनल पार्क्स कितने हैं हमारे पास, वी हैव 90 नेशनल पार्क्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, 448. और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14. ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे. 174 देखिए, टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस XO मोनोजोमी का केस होता है. क्राइडोचैट सिंड्रोम, पार्शियल डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोसोम. डाउन सिंड्रोम, 21st क्रोमोसोम के ट्राइसोमी. एंड क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, 44 प्लस XXY. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे. 175 देखेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 175, प्लाज्मोडियम एंटर्स इन मस्क्यूटो इन विच फॉर्म. प्लाज्मोडियम बेटा प्रोटोजोअन है. ओके, मलेरियल पैथोजन. और ये मस्क्यूटो में किस फॉर्म में एंटर करेगा, गैमेटोसाइट. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एंटर्स द मस्क्यूटो इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट्स. ह्यूमन में किस फॉर्म में करेगा, स्पोरोजॉइट. ठीक है, तो हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म कौन है, स्पोरोजॉइट. मस्क्यूटो के लिए कौन सा है, गैमेटोसाइट. ठीक है, ऑप्शन 3. 176 देखेंगे, दे कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मींस, मल्टीप्लाई एंड इंटरफियर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. ठीक है, दे कैन एंटर. हाँ जी, पूछ रहा है कि ये दे कौन है, एलर्जेंस. बेटा एलर्जेंट्स एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मींस एंड दे डू इंटरफियर विद आवर नॉर्मल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं करते. ठीक है, एलर्जेंट्स डेड होंगे इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. टॉक्सिन्स भी मल्टीप्लाई नहीं करते, एंटीजन भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. मल्टीप्लाई सिर्फ कौन करेगा, पैथोजन. इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, 4th, पैथोजन. ठीक है, 177 देखेंगे, कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रैक. और कहां से मिलेगा, कोका एल्कलॉइड. ठीक है, एरिथ्रोक्साइलम कोका प्लांट. सो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे. बाकी के जो ऑप्शन है, डाइएसिटाइल मॉर्फीन, स्मैक या हेरोइन, ये सब हेरोइन का ही दूसरा नाम है. जो कहां से मिलेगा आपको, फ्रॉम द पॉपी प्लांट, पेपर सोमनिफेरम. ठीक है, 178 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एपी कल्चर. यानी कि बी कल्चर की बात कर रहे हैं, हनी बी की रियरिंग को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर. एपीकल्चर इज इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स. नहीं बेटा, ये क्या होता है, दिस इज योर फिशरीज. ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स इज फिशरीज. ठीक है, उनको हम एपीकल्चर नहीं बोलते, गलत है. इट हैज बीन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये. जो एपीकल्चर है, इट इज एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. ओके, हनी इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिसीज. नहीं बेटा,
बी वैक्स को हम यूज करते हैं, हनी को यूज नहीं करते। किसको यूज करेंगे? बी वैक्स को, जो हनी का एक पार्ट है। तो बी वैक्स इज यूज फॉर कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसेस, ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ देखेंगे, बी कीपिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड लेबर इंटेंसिव। नहीं बेटा, ये लेबर इंटेंसिव नहीं होता है। तो बाकी सब इनकरेक्ट है, ओनली ऑप्शन टू इज करेक्ट। 179, आइडेंटिफाई करना आपको एक्स वाई, ये अगेन एनसीईआरटी के इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। PBR 322 वेक्टर है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन में आपके पास दो आरई साइट्स दिए हुए हैं, पहला बैम एच वन है, दूसरा साल वन है। तो एक्स इज बैम एच वन, वाई इज साल वन, ऑप्शन फोर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे, इफ वी लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बैम एच वन साइट इन PBR 322, ठीक है बेटा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो बैम एच वन पे लगाएंगे, इसका मतलब हम कहां लगा रहे हैं? इन दी टेट्रासाइक्लिन जीन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन क्या होगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में जाएगा, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा उसमें क्या होगा? उसमें जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, देखिए बेटा, ये आपका PBR 322 है, ठीक है, यहां पे हमने कट किया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हमने ओपन कर दिया। देखिए यहां पर अब ये ओपन हो गया और यहां पर हमारा इंसर्ट आ गया। दिस इज आवर इंसर्ट, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अब ये किसका बच गया? हाफ ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, और इधर आधा हाफ हो गया किसका? टेट का, ठीक है। इधर क्या है आपका? एम रेसिस्टेंस का जीन है, यहां पर क्या होगा आपका? ओरी, और यहां पर क्या होगा आपका? रॉप, ठीक है। तो इंसर्ट के आने की वजह से आपका क्या हुआ है? जो टेट्रासाइक्लिन जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है, इसका क्या हो गया है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। लेकिन जो एम्प रेसिस्टेंस जीन है उसको कुछ नहीं हुआ है, इट इज ऑल राइट। लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन का क्या हो गया है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके लिए जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसमें एम्प रेसिस्टेंस होगा लेकिन टेट रेसिस्टेंस क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा वो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस ही सिर्फ शो करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर टू लगाएंगे, ठीक है बेटा। सो दीज वर 180 क्वेश्चंस ऑफ मेजर टेस्ट 9। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी आपके मेजर टेस्ट हो रहे हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आप पढ़िए, ठीक है। और आई एम श्योर कि अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, आपकी बिल्कुल क्लियरिटी है, क्रिस्टल क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट, जो डेटा है वो आपको याद है, तो यू कैन स्कोर ईजिली 330 प्लस इन बायोलॉजी। ओके, सो गिव योर बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।